ज्ञानदायक शक्ति, गुरु ज्ञानदायक शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, सतगुरु ज्ञानदास महाराज की, गुरु ज्ञानदास महाराज की। अमृतसर में आज सुबह वाल्मीकि समुदाय की तरफ से अमृतसर के वल्ला रेलवे फाटक पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समुदाय की तरफ से 7 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान किया गया था। वाल्मीकि समुदाय के लोगों का कहना था कि टीवी पर कलर चैनल पर सीरियल सियाराम में लवकुश में कुछ वाल्मीकि समुदाय के बारे में गलत सीन दर्शाए गए थे, जिसको लेकर उनमें रोष जताया था, जिसके चलते 2 महीने पहले ही अमृतसर जलधर में इस सीरियल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लेखक पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पर पंजाब सरकार की ढीली कारगुजारियों के चलते उन पर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिस कारण आज वाल्मीकि समुदाय की तरफ से ये कदम उठाना पड़ा। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अभी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये संघर्ष और तेज किया जाएगा। आज ट्रेन रोकी गई है, आने वाले दिनों में हवाई अड्डे पर जहाज भी नहीं उतरने दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पंजाब सरकार की होगी। यही है जो बंदी कानूनी कार्रवाई वो की जाऊगी हैगी, जरा वो ऑलरेडी इन्होंने चौरी तरह गवर्नमेंट वालों जो है चैनल बंद करने संबंधी जी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जो डीसी पद्धर से साढ़े लैवल से कमिश्नर लैवल से जो है वह जरा ऑर्डर जो फ्लैश कर दिया। श्री श्री एक सवार सतगुरु ज्ञानदास महाराज की जय। लगातार कलर टीवी चैनल उत्ते राम सिया के लव कुछ जो सीरियल चल रहा है, जिसनों पंजाब सरकार मांग पत्र दिंदे हो तकरीबन 2 महीने बीत चुके ने, तो पंजाब के 2 जिले अमृतसर ते जलंधर दे विच दोषी डायरैक्टर प्रोड्यूसर ते कहानीकार दे उत्ते राइटर ते मुकदमा दर्ज होया। पर प्रशासन जी ढिली कारगुजारी सी, उन्होंने दोषी उस कोई गिरफ्तार नहीं किया, तो ना ही जो चैनल सीरियल बंद है, जिस करके मजबूरन वंश अज सू जो रेल रोकनी पी, क्योंकि कल डीसी साहब ने ही मांग पत्र देन गए थे, उस भी इस गल दसी कि असी पंजाब के अंदर जी एक भी ट्रेन जी चलन नहीं दी जाएगी, तो जेकर हूँ भी जो सीरियल बंद ना हो, क्योंकि असं अपनी आवाज सेंटर सरकार तक पहुंचा चाहते हैं। इस तो बाद जेकर कल सीरियल चलिया तो अमृतसर जो एयरपोर्ट है रनवे उत्थे धरना लगेगा, तो अमृतसर के जो एक भी जहाज जो नहीं थले उतरन दिता जाएगा। इन्ना कहता जय वाल्मीकि हर हर। सर एक ट्रेन लंघ गई होनी बारी ट्रेन का नहीं करना। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।